नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपी 7 न्यूज, तेज नजर निर्भीक खबर। प्रखंड मुख्यालय के गौतम बुद्ध नगर भवन में सबला फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता वीरेंद्र सिंह एवं संचालन अशोक सिंह ने की। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में BRBCL के असिस्टेंट मैनेजर BK शर्मा, NPGC के AGM अरविंद पासवान और BDO संजय कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काट कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सभी दिव्यांगों की तरफ से बारूण प्रखंड के दिव्यांग महासचिव सह सरपंच सुबोध कुमार पासवान ने मांग करते हुए कहा कि विधवा दिव्यांग महिला का निःशक्त पेंशन दी जाए और 400 रूपए से बढ़ाकर 1000 रूपए की जाए। सभी दिव्यांगों को पेंशन चालू करने के साथ साथ संबंधित दिव्यांग प्रमाण पत्र भी सरकार ने बनाया जाए, ताकि उनका सही समय पर देख रखाव, छड़ी कान का मशीन इत्यादि यंत्रों की भी मांग की गई। सभी दिव्यांगों के घर में बिजली की मुफ्त व्यवस्था होने की भी मांग की गई। AGM AK पासवान ने कहा कि दिव्यांगों की यंत्र संबंधित जो मांग है, उन मांगों को पूरा किया जाएगा। सभी दिव्यांगों को चाहिए कि अपने जीवन में हिम्मत न हारें और साहसपूर्ण रूप से जीवन यापन करें। सरकार की तरफ से जो भी सुविधा होगी, सभी दिव्यांगों को समय से मुहैया कराई जाएगी। मौके पर दिव्यांग कमेटी के महासचिव सह सरपंच सुबोध कुमार पासवान, DPO शीला देवी, प्रखंड अध्यक्ष अमोद कुमार माली, संतोष चौधरी, सुनील कुमार मनोरमा, देवी लालू सिंह, लव कुमार परमिंदर, राजकुमार, ओम प्रकाश कुमार गुप्ता सुनील के साथ सैकड़ों दिव्यांग वहां पर मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, JP 7 न्यूज। बाकी बातें तो आप सुन नहीं सकते, तो अगर आप सुन नहीं सकते तो आप ये भी जानिए कि हमारी भी लिमिटेशंस है और उस लिमिटेशंस के बारे में कुछ नहीं बोल सकता।